YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहाँ आगामी 9 नवंबर को ये उत्तराखंड स्थापना दिवस के पावन पर्व पर वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन द्वारा एक सर्वधर्म संभाव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और मेरे सामने मौजूद हैं वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सलीम इदरीसी जी। तो उनसे बात करते हैं कि कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी, क्या उसका उद्देश्य होगा। तो बताइए इदरीसी जी के, ये जो आप उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सर्वधर्म संभाव कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम किस उद्देश्य से आप यहाँ आयोजित कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम उत्तराखंड वासियों को 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन 9 नवंबर को, जैसे कि पहले भी कार्यक्रम करता रहा है, इस 9 नवंबर को सर्वधर्म संभाव के तहत एक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें लगभग सभी धर्मों के प्रतिनिधि बुलाया जाएगा और आपसी भाईचारा और प्रेम के ऊपर बातचीत होगी, जिसका कार्यक्रम हम किसी विद्यालय या किसी सार्वजनिक स्थान पर रखेंगे। तो ये कार्यक्रम आपका पूरे उत्तराखंड में जगह जगह आयोजित होगा या केवल जसपुर में ही होगा? देखिए, इसकी शुरुआत तो जसपुर से ही होगी, लेकिन ये पूरे उत्तराखंड में जगह जगह किया जाएगा। हमारे पदाधिकारी पूरे उत्तराखंड में हैं और हमारा उनसे सबसे अनुरोध भी है कि 9 नवंबर को वो इस तरह के कार्यक्रम कराएं। तो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, तो इसका कार्यक्रम का करने का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, जैसा कि बहुत ज़रूरी है इस दौर में आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत, हमारा देश की पहचान रही है कि यहाँ सब धर्मों के लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं और रहते रहेंगे, उसी के ऊपर थोड़ा सा काम करना ज़रूरी भी है। और इसी के तहत वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन इस कार्यक्रम को कर रहा है। इसी के साथ मैं तमाम प्रदेशवासियों को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो इसका मतलब ये जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे आप, ये एक सर्व धर्म संभाव का संदेश समाज में देने के लिए ये आयोजित करेंगे? जी जी, बिल्कुल। तो देखिए, अभी मैं वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सलीम इदरीसी जी से ये उत्तराखंड स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में बातचीत कर रहा था। तो इदरीसी जी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये प्रदेशवासियों में, समाज में एक सकारात्मक संदेश, जो सर्वधर्म संभाव का जो सकारात्मक संदेश है, वो एक संदेश प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।